हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए पहले प्लीज कंफर्म करिएगा मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं। एम आई ऑडिबल? वेरी गुड इवनिंग डियर, प्लीज कंफर्म करिएगा आवाज जा रही है, आवाज क्लियर है। वेरी गुड इवनिंग डियर, ठीक है। चलिए जल्दी से सब लोग पहले ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? यस, ओके, थैंक यू डियर, ठीक है। और जो आज का जो लिंक है, अपने जो भी आपके फार्मा फ्रेंड्स हैं उनके साथ, उनके ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या हो, डिस्कशन में हो, ठीक है। मैं अच्छा हूँ बच्चे, आप कैसे हो? वायरस चला गया, ठीक है। चलिए ऑडिबल, वेरी गुड। चलिए विदाउट गोइंग लेट हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल फार्मेसी। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बबल पॉइंट टेस्ट डन इज डन टू डिटरमाइन। जो बबल पॉइंट टेस्ट होता है मेनली हम क्या डिटरमाइन करने के लिए, क्या पता करने के लिए करते हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इन एम्प्यूल्स, पीएच ऑफ 1% सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन स्टोर्ड इन ए स्पेसिफिक कंटेनर, विच वन इज करेक्ट। आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए। चलिए ए ए ए, वेरी गुड। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ए। किस लिए करते हैं बबल पॉइंट टेस्ट, हम सरफेस टेंशन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। अब चलिए बात करते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन, इंटरफेसियल टेंशन, ठीक है। तो यूजुअली जो भी हमारे लिक्विड होते हैं उनके सरफेस पे आपका एक जो यूनिट लेंथ में जो आपका टेंशन होता है, ठीक है, एक यूनिट लेंथ की हम वहां पे बात करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो होता है आपका क्या, सरफेस टेंशन। और इसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जानिए, जो आपके कोहेसिव, को मींस होता है सेम, ठीक है, कैपिलरीज, आइज, वाटर, अभी उस पे भी आते हैं। जो आपके कोहेसिव होते हैं वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है आपका क्या, कोहेसिव। और सपोज आपका जो वाटर फिल्ड है बीकर में, वाटर और ये जो बीकर का वॉल है इसके बीच आपका एडहेसिव फोर्स लगता है, ठीक है। अब कुछ आपके मेथड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपका सरफेस टेंशन में, सरफेस टेंशन को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है, लाइक आपका हो गया कैपिलरी राइज मेथड, ड्यूनॉइड टेंसियोमीटर, ठीक है, विल्मी प्लेट मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या क्या है आपके, कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप काउंट एंड ड्रॉप वेट मेथड, ये भी आपका किस में आता है, सरफेस टेंशन को डिटेक्ट करने में यूज होता है। चलिए एक क्वेश्चन और ये आता है कि आपका ड्यूनॉइड जो रिंग डिटैचमेंट मेथड है उसमें जो आपकी रिंग होती है वो मेनली किस एलिमेंट की या किस कंपाउंड की होती है, तो प्लेटिनम, इरिडियम, मेनली इसकी, टेफ्लॉन की आपकी जो रिंग होती है वो उसमें यूज की जाती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है, सरफेस टेंशन, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बबल पॉइंट मेथड, इसकी खास बात क्या है, खास बात ये है कि हमारा क्या है, नॉन डिस्ट्रिक्टिव टेस्ट है हमारा, क्या है, नॉन डिस्ट्रिक्टिव। क्यों, और बाकी जिसमें जो और जो मेथड्स होते हैं, कई बार क्या होता है बबल्स जो उसमें क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, तब उसमें सरफेस टेंशन का क्या होता है पता चलता है, बट यहाँ क्या होता है आपका, बबल ब्रेक डाउन नहीं होते, ठीक है, ब्रेक नहीं होते। अब एक क्वेश्चन और, टेम्परेचर का सरफेस टेंशन से क्या रिलेशन है, अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घट रहा है तो उसका सरफेस टेंशन से क्या रिलेशन है, जल्दी से आंसर करिएगा। ड्रॉप काउंट में स्टेलेग्मोमीटर, बहुत अच्छे, कैपिलरी राइड्स, ड्यूनॉइड रिंग डिटैचमेंट मेथड, बहुत अच्छे। चलिए अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या होता है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा हमारा, रिड्यूस होगा, ठीक है, और विस्कोसिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, डिक्रीज। वेरी गुड, इन्वर्सली रिलेशन। दूसरी चीज, जो कंपाउंड्स, लाइक आपने देखा होगा कि जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, उनके जो लार्वा होते हैं पानी पे फ्लोट करते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी का तेल, पेट्रोल या फिर कोई भी और सब्सटेंस जिनकी डेंसिटी क्या है, कम है,
वाटर से उनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो जो उसके फ्लोट कर रहे होते हैं लार्वा, वो भी क्या हो जाते हैं, डीप हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है आपका जो सरफेस टेंशन होता है वहां पे क्या होता है आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और विस्कोसिटी भी वहां पे रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं वो इनसाइड द वाटर चले जाते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, एज टेम्परेचर इंक्रीज सरफेस टेंशन डिक्रीज, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे हमने बात कर लिया कौन सा हमारा बबल पॉइंट मेथड होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन के लिए होता है, ठीक है, यूज टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आर, कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है। पी एना बच्चे ऑलरेडी वॉल्यूम 100% है, फुल पे है, ठीक है। चलिए इंस्ट्रूमेंट मेनली हम जो पार्टिकल साइज के लिए, पार्टिकल वॉल्यूम के लिए करते हैं कौन सा, कॉल्टर काउंटर, विल्मी प्लेट मेथड, एंडरसन पीपेट, बोथ ए एंड सी, विच वन इज करेक्ट। अच्छा बोथ ए एंड सी का क्या कुछ कोरिलेशन है क्या कि गलत ऑप्शन भी सही हो जाएंगे, जहां भी बोथ ए एंड सी देखा तो ये लॉजिक आप में आ जाता है कि हाँ नहीं दो सही होंगे। एंडरसन पीपेट फॉर शेप एंड साइज, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पार्टिकल वॉल्यूम की, किसकी पार्टिकल वॉल्यूम की, तो वहां पे हमेशा आंख मूंद के लगा दीजिएगा क्या, काउल्टर काउंटर, कौन सा काउल्टर काउंटर मेथड, ठीक है। डी डी आपका कैसे नहीं होगा, क्योंकि एंडरसन पीपेट जो होता है वो आपका वॉल्यूम के लिए नहीं होगा, ठीक है, साइज और शेप के लिए होगा, ठीक है। सुजन इसके काउल्टर काउंटर मेथड पक्का, बहुत अच्छे, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या है, राजस्थान फार्मासिस्ट वैकेंसी कब आएगी, जब आएगी तो अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, आप जीडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रेगुलर चेक करते रहिए, ठीक है। चलिए विल्मी प्लेट मेथड जो होता है आपका किसमें होता है, सरफेस टेंशन के लिए होता है, ठीक है। एंडरसन पीपेट अभी बात की, साइज के लिए होता है, और जो हमारा काउंटर काउंटर है वो किसके लिए होता है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स के लिए होता है, ठीक है। चलिए एंडरसन पीपेट पार्टिकल साइज इन एनी काइंड ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। चलिए आदित्य, ऐसी सिली मिस्टेक क्यों होती है, जब आप सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते तभी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेटेड टू प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, ऑल ट्रू एक्सेप्ट। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स अभी हम बात करेंगे क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स से रिलेटेड आपके सारे स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट वन, डिक्रीज जीटा पोटेंशियल, रिडक्शन इन दी थिकनेस ऑफ दी आयनिक लेयर, डिक्रीज इन दी कोलंबिक रिपल्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स, लोअर द इंटरफेसियल टेंशन। ऋषभ बिल्कुल सही, सर्फेक्टेंट हमारे क्या करते हैं, इंटरफेसियल टेंशन को, दो आपके लिक्विड है इनके बीच जो आपस में जो जंक्शन है जो इंटरफेस है उसके बीच जो टेंशन है उसको रिड्यूस करते हैं और मिसबिलिटी को इंक्रीज कराते हैं। कंडक्टिविटी के लिए डी वेरी गुड, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर इज डी। डी क्या होता है हमारा, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे कई बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते क्या है, यूजुअली क्या होता है, ये लायोफिलिक इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, लायोफिलिक होते हैं, और जो आपके हाइड्रोफोबिक या फिर लिपोफिलिक जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कराते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उनका किसी भी तरीके से आपका कोगुलेशन ना हो। हाउ कैन आई ज्वाइन जीडीसी व्हाट्सएप ग्रुप सर, ऑफिशियल आप नेट पे आप देख सकते हो, ऑफिशियल ग्रुप का आपका नंबर वहां पे है, आप वहां पे हेलो लिख के, हेलो जीडीसी लिख के आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज डी, लोअर द इंटरफेसियल टेंशन, कैसे यहाँ पे हम देखते हैं मेन आपका क्या है, जो आपका लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं क्या उनका काम होता है, प्रोटेक्ट दी लायोफोबिक कोलाइड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनसाइड क्या है आपका हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स है, क्या है हाइड्रोफोबिक, और उसके सराउंडिंग्स क्या है हमारे एड्सॉर्ब है, जो लायोफिलिक है
उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, एड्सॉर्ब है, गोल्ड नंबर यूज फॉर इफिशियंसी इफिकेसी डिटर्मिनेशन। बहुत अच्छे, अभी इसका गोल्ड नंबर से भी क्या कोरिलेशन है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, मेनली क्या किया जाता है हमारा, ये हाइड्रोफिलिक जो सॉल्यूशन है वो ऐड किया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, ये क्या करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, फार्मासिस्ट के एग्जाम में एन नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। द ब्लड प्लाज्मा हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -5.2 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, -0.525 डिग्री सेंटीग्रेड, नन ऑफ दी अबव, विच वन इज करेक्ट। शालिनी अग्रवाल ए, भावना ए। चलिए, मोस्टली सभी के आंसर क्या हैं, ए हैं। ए क्या है हमारा, -0.52। अच्छा, ब्लड प्लाज्मा हो चाहे आपके लैक्राइमल सिक्रीशंस हो, लाइक आपका टीयर हुआ, ठीक है, इन दोनों का आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका -0.52 आपका डिग्री सेंटीग्रेड ही है, ठीक है। चलिए, करेक्ट आंसर इज ए, कितना है आपका 0.52, -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। होता क्या है इसमें, यूजुअली जो ब्लड प्लाज्मा और लैक्राइमल सिक्रीशंस हैं उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपका, सेम है, नबेदु मंडल बिल्कुल आपका भी बोलेंगे, प्रगति सिन्हा -0.52, वेरी गुड। अब हर एक बच्चे का हम नहीं बोल सकते, इतना इजी क्वेश्चन सर, सुजन इजी इसलिए है क्योंकि आपको आ रहा है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने डी या फिर सी भी टिक किया है, ठीक है, उस पे नहीं जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस आइसोटोनिक है, ठीक है, टोनिसिटी सेम है, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन 0.9%। चलिए, NaCl, ठीक है। EDTA इज ए एग्जांपल ऑफ, EDTA आपका जो है किसका एग्जांपल है, यूनिडेंडेट, बाइडेंडेट, हेक्साडेंडेट या फिर टेट्राडेंडेट, ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, ठीक है, आपके एजेंट्स हैं, ठीक है, 5% आइसोटोनिक, ठीक है। ये आपके क्या है, लिगेंड्स हैं, एजेंट्स हैं, जिसमें क्या है डोनर साइट्स हैं, लाइक आपका जो यूनि है, यूनि मींस होता है आपका वन, यूनिडेंडेट लिगेंड जो होंगे उसमें आपका वन है, बाई में दो, हेक्सा में 6 एंड टेट्रा में 4, विच वन इज करेक्ट, वेरी गुड। EDTA, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, करेक्ट है आपका, हेक्साडेंड्रेट लाइगेंड है, ठीक है। कैसे, ये आपके 6 यहाँ पे क्या है बाइंडिंग साइट्स हैं, एज यू कैन सी, जो आपके ये लोन पेयर हैं, ठीक है, चिलेटिंग एजेंट, बिल्कुल सही, चिलेटिंग एजेंट है। चलिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक आपका जो यूनिडेंड्रेट है उसमें आपका क्या आता है, अमोनिया आता है, बाइडेंड्रेट में क्या आता है आपका, इथिलीन डाइएमाइन आते हैं, एंड टेट्राडेंड्रेट में आपका ट्राइथेलिन टेट्राएमाइंस आते हैं, एंड हेक्सा आपका कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो EDTA याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, क्या है हमारे, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल आर यूज इन डिस्पर्जन सिस्टम, बिकॉज डिस्पर्जन सिस्टम में हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्यों यूज करते हैं, स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन क्या है, इंक्रीज करते हैं डेंसिटी को, जो मीडियम है उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, या फिर मीडियम की विस्कोसिटी को इंक्रीज करेंगे, या फिर डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, या फिर डिक्रीज करेंगे डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सहिता वर्मा, पॉइजन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडोट, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। वेरी गुड प्रगति बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज आपने पढ़ा है इसलिए आप सही कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल आपके क्या करते हैं, क्या फंक्शन होता है, बहुत अच्छे, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्या करते हैं आपके, इंक्रीज कराते हैं विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल आपके क्या कराते हैं, जो भी आपकी मीडियम है, कोई भी आपका मीडियम है उसका क्या करा रहे हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज कराते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, इसमें सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं जो क्या कराते हैं आपके विस्कोसिटी को इंक्रीज कराते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है दो होता है, डिस्पर्ड और डिस्पर्जन,
जो डिस्पर्ट होता है वो आपका डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होता है, और जो डिस्पर्जन होता है वो आपका कंटिन्यूअस होता है। तो डिस्पर्जन मीडियम में यूजुअली हमारा क्या होता है, सस्पेंडिंग एजेंट, जो कि क्या कराते हैं हमारे पार्टिकल को सेटल डाउन कराने से, पार्टिकल को सेटल डाउन कराने से क्या कराते हैं, प्रिवेंट कराते हैं। ठीक है, यूज्ड इन डीफ्लॉकुलेटेड, ठीक है, सेटल डाउन ना हो पार्टिकल, बिल्कुल धीरेन सही है। ऑल्सो डिक्रीज रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, मंगलदीप सही है। जागृति थैंक्स बेटा, फरहान यूज टू इंक्रीज विस्कोसिटी फॉर डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लॉकुलेटेड क्या होते हैं आपके, फार्मास्यूटिकली अनएक्सेप्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड केक फॉर्म हो जाता है, और यही वो सस्पेंशन है जो आपका स्टोक्स लॉ फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि जो आपके सेडिमेंट है, ठीक है, जो आपका पार्टिकल है वो फ्रीली सेडिमेंट कर रहा है, किसी भी तरीके का लूज एग्रीगेट नहीं फॉर्म कर रहा है, और स्टोक्स लॉ की पहली कंडीशन है कि जो आपका पार्टिकल है वो फ्रीली डाउनवर्ड सेडिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका फ्लॉकुलेटेड होता है उसमें लूज एग्रीगेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाई पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, सुगर, ठीक है, प्रोपिलीन इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरीन। ये आपका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल सॉल्वेंट DMSO, ठीक है, बायोलिबिलिटी इज मोर फॉर डीफ्लॉकुलेटेड, बिल्कुल डीफ्लॉकुलेटेड की आपकी बायोलिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आपका फ्लॉकुलेटेड। ठीक है, बट शॉर्ट टाइम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, वाटर इज डैश फ्लूड, वाटर आपका कैसा फ्लूड है, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए, वाटर आपका किस टाइप का फ्लूड है। प्रशांत सक्सेना ए, भावना मोहत्रे ए, भावना, चलिए ए, वेरी गुड। ठीक है, जब बात करते हैं किसकी, फ्लूड्स की, ठीक है, दो टाइप के मेनली आपके होते हैं, आप पढ़ोगे न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, जो आपके न्यूटन्स लॉ फॉलो कर रहे हैं न्यूटोनियन। देन नॉन न्यूटोनियन में आपके दो आते हैं, एक होता है आपका टाइम डिपेंडेंट और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट, जिसमें आपका आता है स्यूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक और डायलेटेंट, और दूसरे में आता है आपका क्या, रियोपेक्सी और थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल से लेके। ठीक है, लाइक आपके न्यूटोनियन में कौन कौन से आपके आएंगे, ठीक है, न्यूटोनियन में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, लाइक एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, साइनोवियल फ्लूड जो होता है वो कौन सा, किस टाइप का होता है, आंसर करिएगा जरा, साइनोवियल फ्लूड जो होता है उसमें किस टाइप का आपका फ्लो होता है। ठीक है, विस्कोसिटी नॉट चेंज इन न्यूटोनियन, वेरी गुड। न्यूटोनियन में कौन से आते हैं आपके, ट्रू सॉल्यूशंस आते हैं, डायल्यूट सस्पेंशन आते हैं, वाटर आता है। ठीक है, चलिए वही अगर नॉन न्यूटोनियन की बात करें तो जिसमें हमारा आ रहा है क्या, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डाइलेटेंट। डाइलेटेंट आपका क्या होता है, शियर थिकनिंग होता है, थिकनिंग याद रखिएगा, शियर थिकनिंग, जैसे जैसे हम उस पर शियर स्ट्रेस लगाते जाते हैं उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। थिनिंग प्रॉपर्टीज, स्यूडो प्लास्टिक, थिकनिंग एजेंट, डाइलेटेंट, बिल्कुल सालनी अग्रवाल, थिनिंग प्रॉपर्टी आपकी स्यूडो प्लास्टिक एजेंट की होती है, बहुत अच्छे। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपका क्या आता है, डीफ्लॉकुलेटेड आपका कौन सा फॉलो करता है, तो डी से डी याद रखिएगा, डीफ्लॉकुलेटेड आपका डाइलेटेंट फॉलो करता है, कौन सा, डीफ्लॉकुलेटेड डाइलेटेंट आपका फॉलो करता है, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो इन सनोवियम। चलिए, और बिंगम बॉडीज एक क्वेश्चन आपका और इसमें रह गया, बिंगम बॉडीज जो होते हैं वो आपके प्लास्टिक फ्लो में देखने को मिलते हैं, ये भी आपका कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और जिंक ऑक्साइड का जो आपका सस्पेंशन होता है वो भी आपका आएगा किसमें, प्लास्टिक फ्लो में। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर इज ए। अब यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक आपका न्यूटोनियन में कौन से हैं, नॉन न्यूटोनियन में, देन स्यूडो प्लास्टिक आपका सीयर थिनिंग हुआ, और डाइलेटेंट क्या है आपका, सीयर थिकनिंग है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, मिथाइल सेलुलोज है, सिंथेटिक गम है। ठीक है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, स्यूडोप्लास्टिक में, और डाइलेटेंट में डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन सॉलिड कंटेंट अप टू 50%। ठीक है, चलिए
बिंगम इन प्लास्टिक फ्लो, ठीक है, एपरेंट विस्कोसिटी इन स्यूडो प्लास्टिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट वन यूजुअली मेजर्स व्हेन परफॉर्मिंग ड्रेव टेस्ट टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ वेटिंग एजेंट। जब भी हम वेटिंग एजेंट की बात करते हैं तो वहां पे हमारा सबसे पहले आता है क्या, ड्रेव टेस्ट। तो ड्रेव टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम कौन सा पैरामीटर मेजर करते हैं, टाइम, सरफेस टेंशन, कॉन्टेक्ट एंगल, बोथ ए एंड सी। ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल नेबेंदु मंडल, जियोलॉजी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है जीपैट एग्जाम में। चलिए विच वन इज करेक्ट, ठीक है, विच वन इज करेक्ट, सी, शाबाश, एक तरफ से सी। अच्छा यहाँ बात हो रही है ड्रेव टेस्ट की, कहाँ गया, ड्रेव टेस्ट की बात हो रही है। ड्रेव टेस्ट जरा याद करिएगा, जिसमें हम कॉटन यार्न श्रिंक को हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट कर रहे थे और 20 सेकंड के लिए हो रहा था, ठीक है। वाटर का आपका मोर देन 300 था, एटलीस्ट 2 से 3 बार हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आज ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आप सही से नहीं देख रहे हैं। साहिल सेन ए, चलिए करेक्ट आंसर क्या है, टाइम। कैसे टाइम है, कैसे टाइम है, ठीक है। कॉटन यार्न स्किन को हम कितनी देर के लिए 500 के ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर में कितनी देर के लिए हम उसमें डिप करते हैं, लेस देन 20 सेकेंड्स में जो है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए, श्रिंक कर लेना चाहिए। और जो हमारा वेटिंग एजेंट्स का कंसंट्रेशन होता है 0.25%। टाइम दिखा ही नहीं, अच्छा तस्नीम डी होगा सर, जरा डी देख लें क्या है, नहीं होगा डी। करेक्ट आंसर इज टाइम, ठीक है, मेन टाइम का है, क्योंकि अगर वहीं पे हम अगर बात कर रहे हैं वाटर की तो हमारा 300 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच इक्वेशन कैन बी डायरेक्टली यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर फ्रॉम इट्स एक्वस विस्कोसिटी डाटा, ठीक है। ड्रेव टेस्ट हमारे लिए नया है, अच्छा संखदीप मंडल, अब नया नहीं रहेगा। चलिए इसमें से कौन सा आपका इक्वेशन है जो डायरेक्टली हम कहां यूज करते हैं, पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर वेट को ऑप्टेन करने के लिए उसके एक्वस विस्कोसिटी डेटा से हम उसको ऑप्टेन करते हैं। विच वन इज करेक्ट, आंसर फास्ट, जो सीथा रेड्डी, नो सर करेक्ट आंसर इज कॉन्टैक्ट एंगल। बट बच्चे बिल्कुल कॉन्टैक्ट एंगल आपका होता, बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं कि कितने ड्रो टेस्ट जो होता है उसकी इफिशियंसी जो होती है वेटिंग एंगल में हम किस पे, वो मेनली डिपेंड करता है, तो वो आपका टाइम पे डिपेंड करता है कि कितने कम से कम टाइम में वो क्या कर देगा, वेट कर देगा, ठीक है। मेरे लिए भी नया है, हाँ सुजैन आप सबके लिए नया ही होगा ये। चलिए विच वन इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है, मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर का हम उसके विस्कोसिटी डाटा से कैसे ऑप्टेन करेंगे, किसके थ्रू करेंगे। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है, सी है, ठीक है, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे कंफ्यूजन में है, स्किप, नो आइडिया, डी, ठीक है। डीबाई इक्वेशन क्या कहता है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डीबाई इक्वेशन की। डीबाई इक्वेशन ये कहता है कि कोई भी हमारा क्या है इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्यूशन में क्या होता है, कम्प्लीटली क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट होता है कम्प्लीटली, उसमें क्या होता है, मिसिबल होता है। डी और बी और डी में डाउट है संकलदीप, ठीक है, डाउट दोनों नहीं है आंसर, ठीक है, अब डाउट क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आइंस्टीन सदरलैंड इक्वेशन, आइंस्टीन सदरलैंड इक्वेशन जो होता है मेनली वो किस लिए है, रेडियस ऑफ पार्टिकल का और पार्टिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के लिए है। डेनमार्क हॉविन हॉविन की इक्वेशन हम बात कर ही चुके हैं, किस लिए है, पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है।
कि आपका जो लास्ट आपका क्या है स्टोक आइंस्टीन इक्वेशन, ये मॉलिक्यूलर डायमीटर को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए लार्ज स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेटिंग एजेंट हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म लोअरिंग द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द सॉलिड्स एंड लिक्विड, लोअरिंग द इंटरफेसियल टेंशन, डिस्प्लेस एयर एंड रिप्लेस इट विथ लिक्विड, विच वन इज करेक्ट, आंसर फास्ट। वेटिंग एजेंट्स की इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है या फिर ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा। मंगलदीप डी, सेजल ए, आई रिपीट आंसर ध्यान से पढ़िएगा, भावना डी भी आ सकता, टाइप करेक्ट आंसर, वेरी गुड, मेजॉरिटी इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो हमारे वेटिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या कराते हैं आपके, सबसे पहले जो एयर्स होती है लिक्विड में उसको भी क्या कराते हैं, डिस्प्लेस कराते हैं, इंटरफेसियल टेंशन को भी क्या कराते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी हमारा दो अलग अलग टाइप के लिक्विड है उसके बीच का इंटरफेसियल टेंशन रिड्यूस कर दिया तो आपस में क्या होंगे, वो मिसिबल होंगे, ए ही है, भावना मथुरे, अरे बच्चे डी इज करेक्ट, ठीक है। लोअरिंग द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, जितना कम कॉन्टैक्ट एंगल उतनी अच्छी वेटिंग एज वी ऑल ऑलरेडी नो, ठीक है। चलो डी इज करेक्ट, लग रहा है अभी से सबको नींद आने लगी है क्योंकि आधे से ज्यादा के तो आंसर ही गलत हो रहे हैं, वो भी इतने इजी क्वेश्चन में, बेसिक सा क्वेश्चन है कि वेटिंग एजेंट हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म, कि कौन कौन सी एबिलिटी परफॉर्म कर सकता है आपका वेटिंग एजेंट, उसमें कोई ए लगा रहा है, कोई बी सी, अप टू द मार्क प्रिपरेशन नहीं चल रही है, मेरा दिल कह रहा था डी, देवी सरदा, अरे चंदन, ए वालों के लिए 21 तोपों की सलामी, हाँ बिल्कुल, आप सरकार में होते तो इनको तोपों की सलामी दिलवाते। चलिए ये आपका वेटिंग कॉन्टैक्ट एंगल आप देख सकते हो, जितना कम आपका एंगल बन रहा है सॉलिड और लिक्विड के बीच उतनी प्रॉपर आपकी वेटिंग हो रही है, जितना ज्यादा एंगल आपका फॉर्म करेगा उतनी कम वेटिंग होगी, ठीक है। वेटिंग एजेंट तो कॉन्टैक्ट एंगल में पढ़े थे, हाँ बिल्कुल उसी में पढ़े। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्सिडेंस इज यूज टू डिस्क्राइब, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यस सर बिल्कुल सही कहा आपने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। सब्सिडेंस जो होता है मेनली किसको डिस्क्राइब करता है, ऑप्शंस क्या क्या है, सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, लास्ट वन इज इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, विच वन इज करेक्ट। सब्सिडेंस मेनली हम किसे डिस्क्राइब करने में यूज करते हैं, सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन, सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन, वेरी गुड, मेजोरिटी ए इज करेक्ट, बिल्कुल। सब्सिडेंस की जब हम बात करते हैं किसमें बात करते हैं, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जब हम बात करते हैं, जो फ्लॉक्यूल्स होते हैं क्या होता है उनका जो सेडिमेंटेशन होता है वहां पे हम पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी ये यूज करते हैं सब्सिडेंस, ठीक है। देन सब्सिडेंस इस सम कई बार क्या होता है, चलिए भाई बहुत लोग डायरेक्ट जॉइन हुआ, कमेंट दिखा डायरेक्ट लास्ट में नहीं भी मिल जाएगा क्वेश्चन, बच्चे मैं लाइक और कमेंट्स के लिए नहीं परेशान हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है, इन सब से मेरा कोई मोह माया नहीं है लाइक कमेंट का, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ए है, सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है फ्लॉकुलेटेड सिस्टम में, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में, ठीक है, मेनली क्या जो आपका फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है वहां पे जो सेडिमेंटेशन होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म्ड
ठीक है, ये आपका एक रूल लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, पूरा आपका एक रूल लिखा हुआ है, इसमें से कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, रूल आपका क्या है कि कौन सा इमल्शन फॉर्म होगा, ठीक है, कब, रिलेटिव जिसकी आपकी क्या होगी सस्पेंशन में, जिसकी आपकी सस्पेंशन में क्या होगी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वही आपका क्या करेगा कंटिन्यूअस फेज बनाएगा, ठीक है, जिसकी आपकी क्या होगी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ये किसने दिया था, सुलझार्डी ने, बैनक्रॉफ्ट ने, डिबाय ने एंड निकोलस ने, विच वन इज करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि बैनक्रॉफ्ट रूल क्या कहता है या फिर पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट दे देगा कि आपका जो कंटिन्यूअस फेज है वो क्या होगा, जिसमें आपका क्या होगा ज्यादा सोल्यूबल होगा, जिसमें आपका जिस फेज में आपका सर्फेक्टेंट ज्यादा सोल्यूबल होगा वही आपका फॉर्म करेगा क्या कंटिन्यूअस फेज, ये आपका दिया था बैनक्रॉफ्ट रूल, यही है, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, ये तो आपने बैनक्रॉफ्ट में दिया था, बिल्कुल इमल्शन नाम ही काफी है, क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया, बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है, रूल ऑफ बैनक्रॉफ्ट, ठीक है, डेट नहीं इंपॉर्टेंट, मेनली बस ये जानते रहिए कि आपका बैनक्रॉफ्ट रूल कहता क्या है, ठीक है, कि जो भी आपका इमल्सिफायर है, ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूट में आपका जिस फेज में ज्यादा सोल्यूबल है वही आपका क्या होगा कंटिन्यूस फेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन टू टैंजेंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू द सम फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड। जब भी टैंजेंट की बात आती है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो अगर आप सिर्फ टैंजेंट देखते ही करेक्ट आंसर कर दोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जरूर पढ़िए पूरा क्वेश्चन, पूरा पढ़ के तो गलत कर रहे हैं, जब नहीं पढ़ोगे तो और गलत करोगे। विच वन इज करेक्ट, मार्टिन डायमीटर, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, डिस्टेंस डायमीटर या फिर आपका फेरेट डायमीटर। मार्टिन डायमीटर और फेरेट डायमीटर दोनों आपका इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर इज डी, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने डी ही पोस्ट किया है, ठीक है, फेरेट डायमीटर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, फेरेट डायमीटर में यूजुअली क्या होता है, दो आपके टैंजेंट जो अपोजिट साइड्स होते हैं पार्टिकल्स के जो आपके पैरेलल होते हैं, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन में, उसे ही हम क्या बोलते हैं फेरेट डायमीटर बोल रहे हैं, फेरेट व्यास, बहुत अच्छे श्याम, चलिए बाकी और क्या है और हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक आपका मार्टिन डायमीटर क्या है, ठीक है, मार्टिन डायमीटर में हम क्या देखते हैं, लेंथ ऑफ ए लाइन देन दैट बाइसेक्ट्स द पार्टिकल इमेज, इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये आपका फेरेट डायमीटर, मार्टिन डायमीटर, स्टोक्स डायमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, बिल्कुल मार्टिन बाइसेक्ट्स करके जो जाता है फेरेट पैरेलल वाला, बिल्कुल सही, चलिए आज ही पढ़ा था तेजल शिवाल, बिल्कुल आज पढ़ा था तो गलत भी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए सॉल्वेंट सीथ इज फॉर्म्ड अराउंड द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्ड फेज इन डैश टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम। इससे रिलेटेड आपका सेम क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, गलत नहीं होना चाहिए, लायोफिलिक, लायोफोबिक, एम्फीफिलिक एंड सर्फेक्टेंट, विच वन इज करेक्ट, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स में अभी ही पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कोशिश करिए गलत ना हो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, निकिता पाटिल, बच्चे बी कहां से हो जाएगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इतनी जल्दी भूल गए, सीधा हमने बात किया था जो हमारे लायोफिलिक होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, क्या करते हैं उसके जो आपके पार्टिकल्स होते हैं एड्सॉर्ब हो जाते हैं, जो भी आपका लायोफोबिक है, ठीक है, जो भी आपका क्या है लायोफोबिक पार्टिकल्स है उसके चारों ओर, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ए सॉल्वेंट सीथ इन लायोफिलिक, वेरी गुड,
करेक्ट आंसर इज ए, क्या है आपका, लायोफिलिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए है सर, विच टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म शोज एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन पोरस सॉलिड। आपका जो क्या है, किस टाइप का आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म शो करता है, किसमें, गैस जो होती है आपकी पोरस सॉलिड में, टाइप 1, 3, 2 एंड 4। Which one is correct? कौन सा आपका टाइप है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में, जो कि क्या है आपका शो करेगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन पोरस सॉलिड। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सही बहुत ही कम ही स्टूडेंट्स ने किया है। चलिए, रजत सी लैंगमुइर आइसोथर्म टाइप 3, नहीं बच्चे, करेक्ट आंसर इज टाइप 4। कैसे, सिंपल आपका जो टाइप 4 है, ठीक है, टाइप 4 क्या कह रहा है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन पोरस सॉलिड। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन जो होता है आप सिलिका जेल में, बेंजीन जो आपका होता है सिलिका जेल में आपका जो उसका एड्सॉर्प्शन होता है, ये आपका टाइप 4 का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप 1 की तो उसमें जो आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, वो आपके ऑक्सीजन पे कितना होता है, 83 कैलोरी ऑन चारकोल। ये मेनली आपका किस लिए होता है, लेवलिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एड्सॉर्प्शन विथ इंक्रीज द प्रेशर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा गलत है अनुष्का सिंह, गलत समझ नहीं आ रहा ये। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हम बात करते हैं कि जो भी हमारे गैसेस हैं उनका जो आपका एड्सॉर्प्शन है, ठीक है, किस किस आपके पार्टिकल्स में, किस किस टाइप के आपके जो सब्सटेंस है उसमें किस टाइप का होता है आपका। लाइक आपका अगर टाइप 3 है तो उसमें क्या होता है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो आपकी हीट होती है, ठीक है, फर्स्ट लेयर जो होती है आपकी क्या होती है उसमें लेस होती है, और लैटेंट हेयर जो होती है कंडेंसेट करती है जो आपके सब्सिक्वेंट लेयर्स होते हैं उस पे। सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, बिल्कुल ले लो, मैं तो हट ही गया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन न्यूटोनियन मटेरियल आर टाइम डिपेंडेंट। एक वन टाइप वन माइक्रोप्रोस होता है, माइक्रोप्रोस मिक्स हो गया, बेंजीन ऑन सिलिका जेल, अनिकेत बिल्कुल ये टाइप 4 का ही एग्जांपल है, बेंजीन ऑन सिलिका जेल, सिलिका जेल। नॉन न्यूटोनियन जो हमारे मटेरियल है, ठीक है, इसमें से कौन सा है जो हमारा क्या है टाइम डिपेंडेंट है। दो अभी स्टार्टिंग में ही बात की थी, टाइम इनडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट, बिल्कुल गलत मत करिएगा, डायरेक्ट एज सच क्वेश्चन आता है। ठीक है, शियर थिकनिंग, रियोपेक्टिक, शियर थिनिंग या फिर आपका प्लास्टिक, जो आपका डाइलेटेंट होता है वो होता है आपका शियर थिकनिंग। ठीक है, डबल टी से याद रखिएगा, अगर ऐसे नहीं याद हो पा रहा है, डाइलेटेंट आपका थिकनिंग कराएगा, बी रियोपेक्टिक, रियोपेक्सियन थिक्सोट्रॉपी डिपेंडेंट, बहुत अच्छे, क्योंकि प्लास्टिक एग्जांपल होता है, ठीक है, जिसमें आपके बिंगम बॉडीज फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर इज बी, रियोपेक्टिक, वेरी गुड, रियोपेक्सी या फिर थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं, और टाइम इनडिपेंडेंट में आपका क्या आएगा, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डाइलेटेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीयर थिकनिंग बोल रहे हैं। ठीक है, सीयर थिनिंग, स्यूडो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक। चलिए करेक्ट आंसर इज बी, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कौन कौन से हमारे टाइम डिपेंडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, जिसमें हमारा क्या आ रहा है, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डाइलेटेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था जो साइनोवियल फ्लूड का, वो आपका आता है। ठीक है, एक और कि आपका जो डीफ्लॉकुलेटेड होता है वो किसमें आता है, वो आपका किसमें आता है, डाइलेटेंट या फिर शियर थिकनिंग में आपका आता है। ठीक है, कौन सा, डाइलेटेंट फ्लो।
ठीक है चलिए। टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, माइक्रो डू यू नो पी सर जी वॉइस कॉन्स्टेंट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, माइक्रोनाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज, माइक्रोनाइजेशन यानी कि पार्टिकल्स आपके क्या हो, पार्टिकल्स आपके क्या हो फाइन शेप में, फाइन फाइनली डिवाइडेड हो जाए, लीड्स टू इंक्रीज डी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग ड्यू टू इंक्रीज पोरोसिटी, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज एंगल ऑफ रिपोज और इंक्रीज वायबिलिटी। वेरी गुड। माइक्रोनाइजेशन में क्या होता है, हम पार्टिकल साइज क्या कराते हैं, एग्जाम्पल ग्रिसियोफलविन, ठीक है, ग्रिसियोफलविन एंटी फंगल है और फूड के साथ ली जाती है क्योंकि लाइपोफिलिक है, जिसकी वजह से क्या होता है लिपिड रिच फूड, फैट रिच फूड के साथ ली जाती है ताकि उसका क्या हो एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। माइक्रोनाइजेशन इसमें आपका क्या आता है, मिलिंग टेक्निक्स, आपकी जो मिलिंग टेक्निक्स है वो आपका इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है, लाइक आपका जेट मिल है, रोटर मिल है, ठीक है। चलिए यूजुअली जो पार्टिकल साइज होता है वो हमारा कितना होता है, 1 to 10 microns तक, इसमें क्या होता है रिड्यूस होता है, कैसे, एट्रिशन मेथड से, जिसको हम और क्या बोलते हैं माइक्रो मिलिंग भी बोलते हैं। ऑइंटमेंट प्रिपरेशन में कौन सी मिल का यूज किया जाता है, ये आपका कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिपल रोलर मिल, ध्यान रखिएगा ट्रिपल रोलर मिल। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंसल्टेशन विथ डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, कंसल्टेशन विद डर्मेटोलॉजिस्ट द प्रोडक्ट इन रियोलॉजी आर डिवाइडेड इन 3 क्लास, क्लास वन प्रोडक्ट आर एज साइज डिक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है। जब भी हम क्या मिलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से, हम क्या करते हैं कोई भी हमारा कंसल्टेशन हुआ तो वो यूजुअली 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू उसके जो रियोलॉजी, उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। तो क्लास वन हमारा किसे डिनोट करेगा, सॉफ्ट फॉर ऑप्थेलमिक को। सेकंड क्या है हमारा, कॉमन मेडिकेशन ऑइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कंसिस्टेंसी को, ठीक है। थर्ड क्या है, स्टफ प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स जो कि हमारे मॉइस्ट अल्टरनेटिव कंडीशन में यूज होते हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव, विच वन इज करेक्ट, स्किप ए बी। जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे किसकी, क्लास वन की, क्लास वन प्रोडक्ट्स की, तो उसमें हमारे कौन से आते हैं मेनली सॉरी सॉफ्ट ऑप्थेल्मिक यूज वाले जो भी हमारे आते हैं प्रोडक्ट्स वो आते हैं, वो क्लास टू में हमारे कौन से आते हैं, इंटरमीडिएट कंसिस्टेंसी वाले हमारे किस में आते हैं, क्लास टू में आते हैं, बी नहीं, इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। क्लास टू में हमारे कौन से आएंगे, इंटरमीडिएट कंसिस्टेंसी, और क्लास थर्ड की बात करें तो वहां पे हमारे कौन से आएंगे, स्टिफ प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स आएंगे, किस में आएंगे, क्लास थ्री में आएंगे, ठीक है, जो कि आपके किस में यूज किए जाएंगे, मॉइस्ट अल्सरेटिव कंडीशंस में क्लास थर्ड वाले आपके यूज किए जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ए, कैसे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ा था, सॉफ्ट मेनली फॉर ऑप्थेल्मिक यूज, बिल्कुल सही, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है कैसे आपका क्लास वन सॉफ्ट के लिए। सेकेंड जो ऑइंटमेंट आपके इंटरमीडिएट कंसिस्टेंसी के होते हैं, फिर से गलत हो गया मेरा, चलिए, स्टिफ जो आपके प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो मॉइस्ट अल्सरेटिव कंडीशंस में यूज होते हैं। विकास गुप्ता, जब तक 50 क्वेश्चंस ना हो जाए, ठीक है, तब तक क्लास चलती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैराडे टिंडल इफेक्ट रिफर्स, फैराडे का जो टिंडल इफेक्ट है वो रिफर करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, किसको, आप फिजिक्स में भी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, 10th में 12th में भी इसको पढ़े हैं, बी फॉर्म में भी आपने पढ़ा है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैराडे टिंडल इफेक्ट हमारा किसको रिफर करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेरी गुड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हमारा फैराडे टिंडल इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से
स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास आउट कराते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास आउट कराएंगे तो हम देखेंगे कि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें हमें मूव्स करते हुए इजिली हम उसको देख सकते हैं जो स्कैटर्ड रहते हैं वहां पे, ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका जो पर्टिकुलर जो आपके वहां पे जो स्कैटर्ड रहते हैं पार्टिकल्स, वो जो इफेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैराडे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स आर, बहुत अच्छे, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन या फिर कोर्स डिस्पर्जन, नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और, ट्रू सॉल्यूशंस में आपको फैराडे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं, बस यस या नो, यस या नो एक्सप्लेनेशन भी, हाँ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। विच वन इज करेक्ट, अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो हमारा किस डिस्पर्जन में आएगा, कोलॉइडल मॉलिक्यूलर या फिर कोज। कोज डिस्पर्जन में आएगा, किस में आएगा, कोज डिस्पर्जन में। तो अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, सॉल्यूशन में जाते ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वहां पे क्या होता है, हमारा जो पार्टिकल साइज होता है नैनोमीटर में पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा फाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट होती है, बीम लाइट की जो पास कराई जाती है, वो उससे स्कैटर नहीं होते हैं, ठीक है, और इजली विजिबल नहीं होते हैं। चलिए थैंक यू अनुष्का बेटे, चलिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा, कोर्स डिस्पर्जन, ठीक है, कोर्स डिस्पर्जन हमारा क्या है, नो नॉट सीन, रूम में नहीं दिखेगा, बिल्कुल सही नहीं दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्रायोस्कोपिक, कौन सा मेथड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्रायोस्कोपिक मेथड इज फैमिलियर इन द कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोनिसिटी, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, ठीक है, क्रायोस्कोपिक जो मेथड होता है जो कि किस लिए होता है, आइसोटोनिसिटी के कैलकुलेशन में किया जाता है। अब ये मेथड किस पे बेस्ड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ड्रग, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, पीएच ऑफ ड्रग, नन ऑफ द अबव, विच वन इज करेक्ट। जब भी वर्ड आ जाए क्रायो, ठीक है, क्रायो, क्रायोजेनिक, क्रायोस्कोपिक, ठीक है, वहां पे आपका ये जान लीजिए बिलो माइनस में हम टेम्परेचर फ्रीज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, फ्रीज करने की बात कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज वगैरह में भी आपका क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज ए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, तन में कुंडू -192, बहुत अच्छे। एक्सप्लेनेशन, फिनोमिना ऑफ डिप्रेसिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड बाय एडिशन ऑफ ए सॉल्यूट इज नोन एज क्रायोजेनिक, ठीक है, क्रायोस्कोपी, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन यूज की जाती है, तो ए, चलिए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेलैग्मोमीटर इज क्लीन टू रिमूव ग्रीस विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर एंड टार्ट्रिक एसिड। ये भी बताइए स्टेलैग्मोमीटर का यूज कहाँ होता है, निकिता पाटिल -192 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए स्टेलैग्मोमीटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मेनली जो इसमें ग्रीस आपका उसमें डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम किस केमिकल से या फिर किस हिस्से की, कौन से ऑप्शंस है जो इसमें, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, बहुत अच्छे, सरफेस टेंशन में आपका यूज किया जाता है, ठीक है, स्टेलैग्मोमीटर। और कौन सा केमिकल हम यूज कर रहे हैं वॉश करने के लिए, चलिए नहीं, डी नहीं, टार्ट्रिक एसिड नहीं, बहुत अच्छे, आपका कौन सा आ गया, ड्रॉप वेट मेथड, ठीक है, वेट ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप काउंट मेथड, सरफेस टेंशन, करेक्ट आंसर है आपका क्रोमिक एसिड। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो भी आपका स्टेलैग्मोमीटर में जो ग्रीस होती है उसको रिमूव करने के लिए हम क्रोमिक एसिड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, स्टेलैग्मोमीटर कुछ इस तरीके से होता है, आपने जरूर सरफेस टेंशन को मेजर करते हुए
यूज किया होगा, उसके मेजरमेंट में इसका यूज किया होगा लैब में। तो और ड्रॉप वेट मेथड, ठीक है, ड्रॉप काउंट मेथड, ठीक है, इसके थ्रू, और दूसरा सरफेस टेंशन में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट ए रीजन ऑफ एरर ड्यूरिंग पार्टिकल साइज एनालिसिस बाय सीविंग मेथड। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉट ए लगा हुआ है पहली चीज, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर मेथड है, ठीक है, जो आपका एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसमें, पार्टिकल साइज एनालिसिस में, सॉरी फॉर प्रैक्टिस नहीं किया, पार्टिकल साइज में सीविंग मेथड के थ्रू। अगर हम सीविंग मेथड के थ्रू हम पार्टिकल साइज को हम सेपरेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, तो इसमें से कौन सा हमारा नहीं होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सीव लोडिंग नलायको, पहले ही कहा है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है। कविता पटेल, डी, साइज ऑफ द पार्टिकल्स। देखिए कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जब आप सीविंग करोगे, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे एरर्स के लिए, जैसे आपका क्या हो सकता है, सीव लोडिंग होगा, और इंटेंसिटी ऑफ एजिटेशन, कितनी तेज आपको शेक कर रहे हो, देन ड्यूरेशन ऑफ एजिटेशन, कितनी ड्यूरेशन के लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए नहीं किया, तो ये क्या होंगे आपके एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट साइज ऑफ द पार्टिकल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, साइज ऑफ द पार्टिकल की, ठीक है, तो वो आपका नॉट ए रीजन, क्या है, नॉट ए रीजन फॉर एरर ड्यूरिंग पार्टिकल साइज एनालिसिस, ठीक है, डी, अभी डी वाले उठे हैं, सो के ए बी सी ऑल डिपेंड्स, जोमिता दत्ता, एग्जैक्टली, बाकी ए बी सी जो है वो क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए करेक्ट जो है आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये आपके वो फैक्टर्स हैं जो कि जिससे हमारी क्या हो सकती है, एरर्स आ सकती है, सिंपल था लेकिन सोचा नहीं, ठीक है, दिमाग नहीं घुमाया, पहले ही कह रहा था, ओवरलोडिंग ऑफ द सीव, आप सीव में ओवरलोड कर दोगे जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपकी सीविंग प्रॉपर नहीं होगी, तो वहां पे एरर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फोर्सिंग द पाउडर थ्रू द सीव बाय स्पैचुला, अब वहां पे स्पैचुला से वहां पे आप करोगे स्पैचुला से आप वहां पे, सर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई के बीच में, ठीक है, गैप तो कर ही सकते हैं, ठीक है, मोर देन 10 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है, 10 से लेस तो नहीं आते, अप्रॉक्स आपके 5-10 तो आ ही जाते हैं, ठीक है, सर फिजिकल, चलिए, इनसफिशियंट टाइम ऑफ एजिटेशन, ठीक है, पार्टिकल साइज 50-500 मेनली हम उससे माइक्रोन मेजर कर सकते हैं। हाँ बच्चे आंसर कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट मेथड फॉर इवेल्युएटिंग फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। इसमें से कौन सा आपका मेथड है, फिजिकल से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल प्रगति बेटा, फिजिकल से आपके काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, को रिलेटेड रहते हैं, फार्मास्यूटिक्स के और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि इससे क्या होते हैं, को रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा आपका फैक्ट है जो क्या है कि डायरेक्टली हमारा नहीं कनेक्टेड है, किससे, इवेल्युएशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर से, क्या है हमारे, एंगल ऑफ रिपोज, कैस इंडेक्स, हसनर रेशियो, रिकॉर्डिंग फ्लो मीटर एंड हॉपर फ्लो रेट, विच वन इज करेक्ट, ए बी सी आर डिपेंडेंट, बहुत अच्छे, चलिए सभी है एक्सेप्ट डी। चलिए वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज डी, रिकॉर्डिंग फ्लो मीटर, हॉपर फ्लो रेट जो होता है वो डायरेक्टली फ्लो प्रॉपर्टी को इवेल्युएट नहीं करता। फ्लो प्रॉपर्टी को जो डायरेक्टली इवेल्युएट करते हैं उसमें हमारा क्या क्या आता है, कैस इंडेक्स आता है, हेसनर रेशियो आता है, और एंगल ऑफ रिपोज आता है, और क्या आता है, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी आपका इसी में आएगा, क्या आएगा, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी आपका इसी में आएगा, फ्लो प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ रिपोज, बिल्कुल। चलिए पाउडर बल्क डेंसिटी, ये
पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, अब जो रिकॉर्डिंग पाउडर फ्लो मीटर है वो क्या वेट, वो क्या मेजर करता है, वेट ऑफ द पाउडर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू द हॉपर ऑरिफिस, हॉपर के ऑरिफिस से एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, सपोज हमने यूनिट टाइम मतलब चाहे एक मिनट चाहे फिर एक सेकेंड, ठीक है, यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ वेट पाउडर का उससे पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन एंड ड्राई जिलेटिन, ठीक है, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन एंड ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आपका ड्राई जिलेटिन और सॉरी ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का रेशियो कितना होता है, 0.6:1, 4.4:1, 0.8:1, 1:0.8, which one is correct? Important question है, आया हुआ question है, गलत मत करिएगा। B, D, okay, B, very good, बहुत अच्छे, correct answer is B, ठीक है। जब हम बात करेंगे रेशियो की हार्ड जिलेटिन में किसका, ड्राई ग्लिसरीन का और ड्राई जिलेटिन का, ठीक है, ड्राई ग्लिसरीन का और ड्राई जिलेटिन का, तो वहां पे जो हमारा रेशियो होता है 0.4:1 रेशियो में हम वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेरल टाइप ऑफ विस्कोमीटर, इसमें से कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन है जो कि सेरल टाइप ऑफ विस्कोमीटर में नहीं आएगा, ठीक है। सॉफ्ट 0.821 हार्ड में, बहुत अच्छे, चलिए इसका आंसर दीजिए कि आपके सेरेल टाइप ऑफ विस्कोमीटर में कौन सा नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा नॉट ए ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। रोहन सिंह डी कैसे होगा बेटा, हेलेन कैस्टिलिनियो ए, और तुक्का लगाइए, चलिए करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी है, मैक माइकल विस्कोमीटर, क्या है आपका, मैक माइकल विस्कोमीटर, जो आपका किसका एग्जांपल है, वो आपका एग्जांपल है किसका, कप एंड बॉब विस्कोमीटर का एग्जांपल है, कौन, मैक माइकल विस्कोमीटर, कवर्ड टाइप माइकल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, मैक स्कॉटन टाइप, ठीक है। और सेरेल टाइप में आपके जो आते हैं बाकी तीनों आपके सेरेल टाइप में ही आएंगे, जिसमें आपके हैक रोटो विस्कोमीटर, ठीक है, स्ट्रोमीटर, ठीक है, स्टोरमर विस्कोमीटर एंड ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, ये सारे आपके किसमें आएंगे, सेरेल टाइप में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आपके कौन कौन से हैं तीन, चलिए चलिए, पीएच ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाई, मुझे नहीं लगता इसमें किसी का भी गलत होगा, स्टॉर्मर एंड ब्रुकफील्ड और सेरेल बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए बफर का पीएच मेनली हम किससे कैलकुलेट करते हैं, पीएच पार्टीशन थ्योरी, नॉइज विटनी लॉ, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन एंड माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, विच वन इज करेक्ट, बहुत अच्छे, कुछ ज्यादा ही सरल आ गया है, ठीक है। हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन जो होता है वो आपका क्या है, बफर्स का पीएच और पीएच स्केल जो होती है उसको हम सोरेनसन एपरेटस भी कहते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, सोरेनसन एपरेटस। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन आपको एंजाइम काइनेटिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नॉइज विटनी इक्वेशन जो है आपका, नॉइज विटनी लॉ, आपका सरफेस एरिया जितना ज्यादा रिड्यूस होगा उतना ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, सॉरी सरफेस एरिया रिड्यूस नहीं, पार्टिकल साइज जितना आपका रिड्यूस होगा सरफेस एरिया उतना आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उनका उतना ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ क्या है आपका, पीएच इक्वल टू pKa plus log salt upon acid, Sorensen sir ज्यादा ही easy, आज ऐसा क्यों, अच्छा सारे तो easy नहीं आए हैं, ठीक है।
डिसोल्यूशन, और इजी इसलिए भी है क्योंकि आपको आ रहे हैं, नो डाउट आपने मेहनत की होगी तब आपको इजी लग रहे हैं, ठीक है। दिव्या क्या कहते हैं, क्या डिसोल्यूशन फॉर डिसोल्यूशन, बिल्कुल डिसोल्यूशन के लिए होता है, टेंपरेचर वाटर अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपका जो हेंडरसन हेसल बैच है मेनली क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसमें आपका क्या हो ना तो प्रोटॉन डोनेट करे और ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो वो आपका क्या है, वो उसको डिटेक्ट करने के लिए प्रोटीन्स में वो मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द प्रोटेक्टिव कोलाइड है ग्रेटर प्रोटेक्टिव एक्शन, इसमें से कौन सा आपका प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स है दैट हैव ग्रेटर प्रोटेक्टिव एक्शन, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, ट्रैगाकैन एंड गम अरेबिक, विच वन इज करेक्ट। भावना बेटा बहुत जल्दी आंसर इसीलिए नहीं करना चाहिए, सी इज इनकरेक्ट, विच वन इज करेक्ट आंसर फास्ट। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज जिलेटिन। जिलेटिन मेनली क्या होता है आपका, गोल्ड नंबर, बहुत अच्छे, लीस्ट गोल्ड नंबर, ठीक है। जितना आपका कम गोल्ड नंबर उतना ज्यादा उसकी क्या होगा, ज्यादा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, प्रोटेक्टिव एक्शन होगा, क्या होगा, उतना ज्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन होगा। चलिए गोल्ड नंबर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि उसकी रेंज पूछी जाती है, लाइक आपका जिलेटिन है उसकी आपकी गोल्ड रेंज, गोल्ड नंबर उसका कितना है, जिलेटिन ही होगा, बिल्कुल जिलेटिन ही होगा, ए इज करेक्ट, ठीक है। प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है, लोअर्स द गोल्ड नंबर ग्रेटर द प्रोटेक्टिव एक्शन, ठीक है। जिलेटिन ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, जो भी हमारे क्या है लायोफिल्स हैं या फिर हमारे क्या है हाइड्रोफिल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं सिस्टम को स्टेबलाइज करने में, जो भी हमारे क्या है हाइड्रोफोबिक जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके चारों ओर क्या होते हैं एड्सॉर्ब हो जाते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारे हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं उसी को क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, स्टार्च हाइएस्ट, नो जिलेटिन लीस्ट। चलिए करेक्ट आंसर इज जिलेटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कैश इंडेक्स ट्रेगा का हाईएस्ट गोल्ड नंबर है, चलिए इफ द कैश इंडेक्स ऑफ ए पाउडर इज 10% देन द पाउडर फ्लो ऑफ पाउडर विल बी, ठीक है, पुअर, वेरी पुअर, एक्सीलेंट एंड गुड। ये भी कुछ इजी ही आ गया है, वेरी गुड। क्या होगा आपका, एक्सीलेंट होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी एक्सीलेंट, ठीक है। चलिए कैश इंडेक्स एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पासेबल, पुअर, आपकी ये रेंज दी हुई है 5 to 10 या फिर 5 to 15 आपका होता है, ठीक है, 5 to मेनली 10 होता है, ठीक है, कैश इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो आपका एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी को शो करता है, लोएस्ट परसेंटेज ग्रेटर क्वालिटी, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका गुड होगा, एक्सीलेंट के बाद गुड होगा, देन फेयर, पॉसिबल, हर्सनर रेशियो, ये रेशियो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन ड्रेओ टेस्ट, आंख खोल के पढ़िएगा क्वेश्चन, ड्रेओ टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ मेजरिंग ऑफ द इफिशियंसी ऑफ बाइंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, डिटर्जेंट एंड एड्सॉर्बेंट। ड्रेओ टेस्ट जो मेनली आपका क्या होता है, ड्रेओ टेस्ट जो होता है वो आपके क्या किसके लिए होता है, बाइंडिंग एजेंट के लिए, एड्सॉर्बेंट, डिटर्जेंट या फिर सस्पेंडिंग एजेंट के लिए। तंजिल खान, सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट बी, ओके। सस्पेंडिंग एजेंट में हम ड्रेओ टेस्ट का यूज नहीं करते, डिटर्जेंट्स में करते हैं, ठीक है, अभी पढ़ा था
20 सेकेंड्स के लिए, कॉटन यॉर्न स्किन जो होती है, ठीक है, वाटर का मोर देन 300 होता है। चलिए, डिटर्जेंट इज करेक्ट। ठीक है, डिटर्जेंट में होता क्या है यूजुअली, आपका जो भी आपका रिमूवल ऑफ फॉरेन जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं निकलते, वो नहीं, आपका इंपॉर्टेंट क्या है, स्टैंडर्ड स्किन ऑफ कॉटन यार्न जो होता है वो हम कैरी करते हैं। ठीक है, 20 सेकेंड्स के लिए हम डिप करते हैं, 0.25% आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वेटिंग सुपर जो आपके वेटिंग एजेंट्स होते हैं उनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट ऑफिशियल इन आईपी। ठीक है, इसमें से यूनिवर्सल, यूनिक, गो, फास्ट, सर, ऑलरेडी बहुत फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, हाइड्रोफिलिक हेड, बिल्कुल सही, ऋषभ, लिपोफिलिक टेल, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइम, बिल्कुल सही, वेटिंग एजेंट के लिए ना सर, बिल्कुल वेटिंग एजेंट के लिए। कौन सा इसमें से ऐसा टेस्ट है जो कि आईपी में नहीं है, हार्डनेस, फ्रेबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। अच्छा, चारों के मेथड भी बता दीजिएगा कि हार्डनेस हम किससे इवेल्युएट करते हैं, किस मशीन से करते हैं। फ्रेबिलिटी के लिए मेनली आपका क्या यूज होता है, डिसइंटीग्रेशन के लिए कौन से अपरेटस यूज होते हैं। चलिए, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में हम क्या करते हैं, मोनसेंटो, ठीक है, फाइजर अपरेटस जो होता है आपका, फाइजर टेस्टिंग अपरेटस, ठीक है, फाइजर जो फाइजर कंपनी ने डेवलप किया था। ठीक है, फ्रेबिलिटी, जॉर्ज फेब्रिलेटर होता है आपका। ठीक है, 25 RPM पे 4 मिनट के लिए 100 रिवॉल्यूशन रॉज फेब्रिलेटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी तरीके का आपका जो उसमें आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, पार्ट के उसमें क्या हो रहा है, ब्रेकेज वगैरह, ये सारी चीजें देखने के लिए। ठीक है, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, रॉज फेब्रिलेटर, बहुत अच्छे, यूरेका फाइजर ने किया था। अच्छा, एक बार ये भी पूछा था कि आपका यूरेका जो है वो किस कंपनी ने उसको क्या किया था, मैन्युफैक्चर किया था सबसे पहले। चलिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए ट्रिक MESSP, चलिए ठीक है, यूरेका हार्डनेस फाइजर, चलिए बहुत अच्छे। सर, ए और बी ऑप्शन दोनों है नॉन ऑफिशियल, करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एली लिली, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन ऑफ ए सस्पेंशन लेविगेशन इज यूज टू। सस्पेंशन प्रिपरेशन में, ठीक है, सस्पेंशन प्रिपरेशन में एक्सटेम्पोरेनियस जो आपकी प्रिपरेशन होती है सस्पेंशन की, तो लेविगेशन जो है हम किस लिए करते हैं, जीटा पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए, विस्कोसिटी को इनहांस करने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ को हम अवॉइड करने के लिए, या फिर पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए, विच वन इज करेक्ट। काजल बरी, बच्चे फ्रेबिलिटी नहीं, हार्डनेस, हार्डनेस इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन देख लूंगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लेविगेशन में मेनली हम क्या करते हैं, डी, बहुत अच्छे। ठीक है, लेविगेशन में होता क्या है मोटार पेसल में, ठीक है, मोटार पेसल में कोई भी आपका ऑइंटमेंट प्रिपरेशन हुआ या फिर कोई भी आपका पेस्ट हुआ मोटार पेसल के थ्रू, या फिर जो आपका स्पैचुलेशन के थ्रू क्या करते हैं हम, बिल्कुल ऋषभ, मैं चेक कर लूंगा अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या है, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं किसमें, लेविगेशन में। ठीक है, दो चीजें होती हैं जब हम मोटार पेसल से करते हैं, पहला तो मिक्सिंग भी होती है, ठीक है, मिक्सिंग भी होती है, और दूसरा पार्टिकल साइज भी रिड्यूस होता है। ठीक है, मिक्सिंग के साथ साथ आपका क्या होता है, पार्टिकल साइज भी रिड्यूस होता है। ठीक है, चलिए, करेक्ट आंसर इज डी, रिड्यूस पार्टिकल साइज। ठीक है, लेविगेशन आपका पार्टिकल साइज किसी भी सॉलिड में ट्रैचुरेशन मेथड से जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्पेचुलेशन है, ये ट्रैचुरेशन मेथड है। सो अकॉर्डिंग टू यूएसपी हार्डनेस फेबिलिटी बोथ अनऑफिशियल है,
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर डस्टिबिलिटी। डस्टिबिलिटी पर्टिकुलर आपका टर्म है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, ठीक है, फ्री फ्लोइंग पाउडर्स आर कैरेक्टराइज बाई डस्टिबिलिटी, या फिर ए टर्म मीन टू सिग्निफाई द अपोजिट ऑफ स्टिकीनेस। ओके नेक्स्ट, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम शोज द लोवेस्ट डिग्री ऑफ डस्टिबिलिटी। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड आपने जरूर पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी में, ठीक है। इम्प्योरिटी या फिर एडल्ट्रेशन के लिए हम मेनली उसमें पता करने के लिए करते हैं, ठीक है, 94,000 मेनली स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो लास्ट वन क्या है, फाइनली पाउडर्ड कैलोमल हैज ए रिलेटिव डस्टिबिलिटी ऑफ 0.7%। जितने भी ये ए बी और डी कर रहे हैं ध्यान से देखिए, यहाँ पे फॉल्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि डस्टिबिलिटी तो ठीक है, फ्री फ्लोइंग पाउडर्स जो हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, डस्टिबिलिटी। इतना इजी है आदित्य, फिर भी देख रहे हो काफी रॉन्ग्स आंसर आ रहे हैं। तो लाइकोपोडियम क्या है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे लोवेस्ट की जगह हाईएस्ट अगर होता तो ये आपका सही हो जाता, क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ डस्टिबिलिटी होती है, किसमें, लाइकोपोडियम में। चलिए देखते हैं, अलग अलग आपके कंपोनेंट्स के अलग अलग डस्टिबिलिटी हैं। लाइक आपका चारकोल, फाइन चारकोल्स का आपका 23%, ठीक है, टैलगम पाउडर्स का आपका 57। चलिए डस्टिबिलिटी आपकी 100% है, ठीक है, इफ अगर इफ इट इज एट्रिब्यूट असाइंड एज डस्टिबिलिटी 100%। चलिए ठीक है, फाइनली पाउडर्स कर लो, रिलेटिव डस्टिबिलिटी 0.7%, लाइकोपोडियम ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, लाइकोपोडियम में क्या होता है आपका ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्टिबिलिटी, ये जीपैड में आया था ऋषभ साहब। बिल्कुल, ज्यादातर क्वेश्चन वही डिस्कस किए जाते हैं जो जीपैड में आए हुए हो। अब वो बात अलग है, जीपैड में तो कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ज्यादा इजी आ रहे हैं। थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन शुड एक्सप्लेन, अगर कोई भी आपकी इमल्सिफिकेशन की थ्योरी है तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट वो एक्सप्लेन करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, फेज इन्वर्जन इन द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में फेज इन्वर्जन है उसको लेके। अब ये भी बताइएगा इंटरनल और एक्सटर्नल में फेज कितना होता है, ठीक है, इंटरनल जो हमारा होता है मीडिया, ठीक है, लाइक डिस्पर्स मीडियम है उसका फेज कितना परसेंट होता है, और डिस्पर्जन मीडिया है उसका फेज कितना होता है, और किस कंडीशन में फेज इन्वर्जन हो जाएगा कि कितने परसेंट से ज्यादा हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सर ब्रेक ले लीजिए, बिल्कुल नहीं लेना है ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म या फिर फ्लॉकुलेशन एंड क्रीमिंग, विच वन इज करेक्ट। बहुत अच्छे, वेरी गुड, 74%। 74 क्या, डिस्पर्स्ड या फिर डिस्पर्जन मीडियम, कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस, इंटरनल अप टू 74, बहुत अच्छे प्रिया उनियाल, ठीक है। 74:26 मंगलदीप, वेरी गुड। चलिए करेक्ट आंसर पी एंड आर, ठीक है, पी हमारा क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, एंड आर क्या है आपका, टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म, जो कि आपका बैंक्रॉफ्ट रूल बोलता है, ठीक है, कि किस टाइप के फेज में आपका एक्सटर्नल फेज फॉर्म करेगा, किस कंपोनेंट से मिलके, ठीक है, सी इज दी करेक्ट। कोई भी थ्योरी जो आपकी मीनिंगफुल है मेनली उसके लिए ये दो आपके पॉइंट्स एक्सप्लेन करने जरूरी हैं, इंटरनल फेज नॉट मोर देन 74%, बिल्कुल। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई भी आपकी यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन, चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी है, ठीक है, बैंक्रॉप्ट रूल आपका दूसरा जो बताया था कि कौन सा फेज फॉर्म होगा, ठीक है, मेनली फेज प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के लिए आपके एज सच कोई रूल नहीं है। फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग कैन बी कैरीड बाय यूजिंग, एक बार और ये क्वेश्चन पूछा था, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का ये गलत था, उम्मीद करता हूँ शायद आज आपके क्वेश्चंस आंसर सही हो। फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग कैन बी कैरीड आउट बाय यूजिंग बबल पॉइंट टेस्ट, वाटर इंट्रूजन टेस्ट, डिफ्यूजन फ्लो टेस्ट, none of the above, which one is correct?
एंजल क्वीन ए, शालनी ए। अच्छा आई रिपीट, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। भावना, ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा याद है क्या आपको? चलिए, कई बार क्या होता है कि स्लाइड चेंज करते ही ऑप्शंस भी आपके बदल जाते हैं, ये मत कहिएगा आप, ठीक है? ध्यान से आपने क्वेश्चन देखा नहीं, ये कहिएगा, ठीक है? ए, एक तरफ से लगता है आपने एक ही पढ़ा ही है, बबल पॉइंट टेस्ट, वो भी आज जो पढ़ाया पहला क्वेश्चन, ठीक है? डोप टेस्ट एंड बबल पॉइंट, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए, करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। देखा ऑप्शन, अब आप कहोगे कि सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं था, आपने ठीक से देखा नहीं, ऑप्शन मेंशन था आपका, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है? मैजिक है इसमें, बिल्कुल मैजिक है, ठीक है? ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट, ठीक है? याद रखिएगा ये आपके जो तीन आपके टेस्ट हैं कौन कौन से, बबल पॉइंट, वाटर इंट्रूजन और डिफ्यूजन फ्लो टेस्ट, ये आपके किसके लिए, फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग। कई बार अभी चेंज होने लगे, नहीं पहले भी यही था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैक्यूम अप्लाइड फॉर द लीकर टेस्ट फॉर वायल्स, वायल्स के लिए, ऑल है सर, दोबारा धोखा नहीं खाएंगे, बिल्कुल। चलिए वैक्यूम अप्लाइड फॉर लीकर टेस्ट फॉर वायल्स इज -27, -37 mmHg, -17 mm हाइड्रोगेरियम, ऐसे चेंज होता है ऑप्शन। अच्छा चलिए, वेरी गुड भावना। -27 mmHg, पेरेंट्रल में जब आप इवेल्युएशन टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे जो आपका वायल्स है, ठीक है, मेनली उसमें आपका कितना निगेटिव प्रेशर, ठीक है, वैक्यूम अप्लाइड किया जाता है, ठीक है, -27। ऑप्शन फ्लिप कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आउट हो चुका है, मैंने पहले ही पूछ लिया था। मिथिलीन ब्लू डाई यूज की जाती है, बिल्कुल सही। स्मोक, फोम, जेली, सॉल्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन आउट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक भी बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक बार देखिए, चाहे 10 बार क्वेश्चन पढ़िए, बट गलत मत करिएगा कि आपका कौन सा सॉल्यूशन है या फिर कौन सा आपका ऑप्शन है जो कि टिंडल इफेक्ट, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, टिंडल इफेक्ट नहीं फॉलो करता है। सर आपका भाई मेरे कॉलेज में स्टडी कर रहा है, आज ही उससे बात हुई, वो बोल रहा था कि मैं मुकुल सर का भाई हूँ, मैं अकेला कुलदीपक हूँ अपने माता पिता का, ठीक है? ऐसी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सॉल्ट सॉल्यूशन। कैसे? क्योंकि जो आपके सॉल्ट होते हैं, ठीक है, डिबॉय थ्योरी में हमने पहले ही बात कर ली है कि जो हमारे सॉल्ट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, नॉट सो टिंडल इफेक्ट। वेरी गुड वैष्णवी, ठीक है, ठीक है, इसी में आपका पूरा आंसर है। ट्रू सॉल्यूशन आपके टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते, पार्टिकल साइज आपके इतने ज्यादा मिनिमाइज होते हैं, अप टू नैनो माइक्रॉन्स होते हैं कि उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उसके पार्टिकल्स आपको शो नहीं होते, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी, सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस के आपके क्या है, एग्जांपल्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस के, जिसमें आपका मिल्क, मिल्क किस टाइप का इमल्शन है, मिल्क किस टाइप का है, ऑयल इन वाटर टाइप का, ब्लड जेली सोप सॉल्यूशन, ये सारे आपके किस में आएंगे, कोलॉइडल में, सस्पेंशन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, चॉक पाउडर, वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, ये सारे, ठीक है? ऋषभ शाह, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है, ठीक है? वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है? पहला तो क्वेश्चन ये है वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है, दूसरा ये जो करेक्ट आंसर इसमें से जो भी होगा वो कितने डिग्री पे होता है कितने डिग्री पे होता है। ब्रिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके ओके सर, ये कितने डिग्री पे है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमारा 72.8 है, ये भी इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। उसके साथ ही ये भी बताइए कि 0 डिग्री और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर का सरफेस टेंशन, ठीक है, वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। बट मेरा क्वेश्चन एक और है आपसे, ये 72.89% कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ये टेस्टिंग कितने डिग्री टेम्परेचर पे की गई है। बहुत अच्छे, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा पद्मिनी बच्चे, 35 तो नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट सलोनी जायसवाल 80 डिग्री, पानी ही उड़ा देंगे आप। धीरेन शुक्ला, दो और भी हैं वो भी बता दो। बिल्कुल बताएंगे, आपका जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है वो होता है कितना आपका 76.5, कितना होता है 76.5 होता है, ठीक है। और 20 डिग्री पे जो होता है वो होता है आपका कितना 72.8। बिल्कुल भूमिका पाटिल, 0 डिग्री पे आपका क्या होता है 76.5, ठीक है। चलिए, ये आपके कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जिनका अलग अलग सरफेस टेंशन है, ठीक है। ऑलिव ऑयल का आपका इंपॉर्टेंट है, कैस्टर ऑयल ये आपका पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, देन इट इज सेड टू बी आइसोस्मोटिक, ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 78.2, मोहम्मद साकिर, बहुत अच्छे, जीरो पर कम होगा, जो बताया वो सही है, ठीक है। चलिए, आइसोटोनिक होगा या फिर आइसोस्मोटिक होगा, हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक, विच वन इज करेक्ट। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर हमारा क्या है, आइसोटोनिक। आइसो मींस होता है आपका सेम, टोनिसिटी की, टोनिक मतलब होता है जब दो आपके अलग अलग मीडियम है उनका सॉल्यूट कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, ठीक है, तो वहां पे हम आइसोटोनिक वर्ड यूज करते हैं। और जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फ्लूड यानी कि ब्लड की, तो वहां पे यूजुअली हमारा होता है 0.9% NaCl की हम बात करते हैं, ठीक है। और अगर आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन की बात करें तो आपका 2% जो बोरिक एसिड होता है उसके रेफरेंस में अगर जब हम ब्लड की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या आता है आइसोस्मोटिक, कितना आता है आइसोस्मोटिक, वो हमारा आइसोस्मोटिक का एग्जांपल है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हाइपरटोनिक क्या होता है, सिंपल सा है, आइसोटोनिक से जिसकी टोनिसिटी ऊपर होती है, किसकी, हाइपरटोनिक की, आपका 0.9% से जितने भी ज्यादा के होंगे वो आपके हाइपरटोनिक में आएंगे, और 0.9% से जितने भी कम में आएंगे वो आपके किस में आएंगे हाइपोटोनिक में आएंगे, ठीक है। चलिए, अब हाइपोटोनिक में क्या होगा, आपकी जो आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएगी, हाइपरटोनिक में क्या होगा वो बस्ट कर जाएगी, ठीक है। चलिए, प्रगति सिन्हा 0.9% ऑफ NaCl एंड 5% ऑफ डेक्सट्रोज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्लूडिटी, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा। Fluidity is a term associated with Newtonian fluid, ठीक है, जो आपका Newtonian fluid है उससे हमारा term क्या associated है, fluidity, ठीक है, fluidity। अब वही an equivalent term in plastic flow fluid is, जैसे Newtonian में हम fluidity की बात कर रहे हैं उसी तरीके से हमारा plastic flow में क्या होगा, viscosity, flexibility, mobility या फिर plastic viscosity, which one is correct। बहुत अच्छे, प्लास्टिक, अच्छा, ये टाइम इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, आंसर करिएगा जल्दी से। मोबिलिटी, सी मोबिलिटी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी। बिंगम बॉडी, यील्ड वैल्यू, ये सब आपको देखने को मिलेगा किसमें, प्लास्टिक में, किसमें, प्लास्टिक फ्लो में, ठीक है। अब प्लास्टिक फ्लो, मोबिलिटी, चलिए
जैसे आपका क्या होता है फ्लूडिटी, हमने पढ़ाई है किसमें, न्यूटोनियन फ्लूड में होती है, ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। उसी तरीके से हमारा जो प्लास्टिक फ्लो है उसमें हमारा क्या आ रहा है, मोबिलिटी आ रहा है, जो कि एनालॉगस है किसके, फ्लूडिटी के है। फ्लूडिटी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए इंडिपेंडेंट सब फास्ट, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, अगेन प्रोटेक्टिव कोलॉइड से फिर से आपका क्वेश्चन। द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ए कोलॉइड इज एक्सप्रेस्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन टर्म्स ऑफ स्क्लूज हार्डी रूल, गोल्ड नंबर, हॉफमेस्टर सीरीज, कोसर्वेशन, विच वन इज करेक्ट। अच्छा ये भी बताइएगा कि कोसर्वेशन आपका कहाँ पे आता है, गोल्ड नंबर, चलिए बहुत अच्छे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सेज कि बी इज दी करेक्ट आंसर, गोल्ड नंबर आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब गोल्ड नंबर आपका जितना कम उतना ज्यादा क्या है वो प्रोटेक्टिव। रोमिता दत्ता रेड टू वॉयलेट, बिल्कुल उस पर भी आते हैं, ठीक है। गोल्ड नंबर की आपकी पूरी डिफिनीशन है, ठीक है, कि गोल्ड नंबर आपके क्या होते हैं, कि मतलब आपका 1 ml ऑफ 10% NaCl जो आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसमें आपका क्या 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, 10 ml ऑफ जो गोल्ड सॉल्यूशन है, कितना ml, कितना मिलीग्राम, ठीक है, मिनिमम कितने मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स रिक्वायर होंगे कि आपका जेड से वॉयलेट कलर चेंज ना हो। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, वेरी गुड, ठीक है, लेस गोल्ड नंबर मोर प्रोटेक्टिव कोलाइड, बहुत अच्छे। पवन जेल के पढ़ना रह गया, बिल्कुल बहुत कुछ पढ़ना रह गया है, ठीक है, स्मॉलर द गोल्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैपिलरी ट्यूब, ए कैपिलरी ट्यूब इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड इफ द कोहेसिव फोर्स इज लेस देन द एडहेसिव फोर्स, देन द एडहेसिव फोर्स, द मिनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स अपवर्ड, द लिक्विड विल वेट द सॉलिड, एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट विल बी ऑप्टस, द लिक्विड विल ड्रिप इन द कैपिलरी ट्यूब, विच वन इज करेक्ट। कोएसर्वेशन बता दीजिए पवन राठौड़, ठीक है बच्चे। कोएसर्वेशन माइक्रो इनकैप्सुलेशन में आपने पढ़ा होगा जो आपकी पॉलीमर्स का जो सॉल्यूशन होता है उसका क्या होता है, लिक्विड जो होता है उसका, इसकी एक आपकी जो लेयर होती है इसमें होता क्या है, आपका जो पॉलीमरिक सॉल्यूशन होता है उसकी एक लेयर क्या होती है, टैबलेट जो होती है, जो भी हम क्या कर रहे हैं ड्रग मॉलिक्यूल जो है हमारा जिसको इनकैप्सुलेट कर रहे हैं उसके चारों ओर क्या करता है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। वही होता है कि आपका कोएसर्वेशन। सर एग्जाम फरवरी में होगा या जनवरी में, वैभव निगम प्रिपरेशन तैयारी पीक पे रखिए, चाहे दिसंबर में हो, ठीक है, बट आपका दिसंबर लास्ट या मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में ही होगा, ठीक है, बट उस पर आप बिल्कुल फोकस मत रहिए। विच वन इज करेक्ट, करेक्ट आंसर कौन सा है, बहुत अच्छे। बी इज द करेक्ट आंसर, द लिक्विड विल वेट द सॉलिड। कैसे, जब हम कोहेसिव फोर्स की बात क्लास के स्टार्ट में ही मैंने बात की थी, कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स, सेम को मीन सेम, हेसिव फोर्स जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका होगा कोहेसिव फोर्स। और वाटर जिस आपके बीकर में रखा हुआ है तो बीकर का जो आपका सॉलिड पार्ट है, वॉल्स है, सरफेस है, उसके और वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो आपका फोर्स लगेगा वो है आपका क्या, एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव वो आपका क्या होगा, पहले गिव मी टाइम, वो आपका क्या है, एडहेसिव, ठीक है। चलिए फोर्स बिटवीन सेम फेज, एडहेसिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट फेज, बहुत अच्छे। चलिए करेक्ट आंसर इज बी, कैसे ये देखिए, ठीक है, अगर आपका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, आप कोहेसिव फोर्स यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स है वो ज्यादा है तो क्या करेंगे, वो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको ऊपर जाने ही नहीं देंगे, क्या करेंगे, नीचे खींच लेंगे, जैसे कि आपका ये डायग्राम बी में आपका बना हुआ है, ठीक है। जो भी आपका क्या है कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा है तो वो आपका क्या है, अपवर्ड उसको नहीं जाने देगा। ब्रिंग मोर क्वेश्चन, बिल्कुल और क्वेश्चन आ रहे हैं सर, एडहेसिव
ज्यादा होना चाहिए फर्श। ओके चलिए, एडहेसिव ज्यादा हो रहा है तभी तो सॉलिड वेट हो रहा है, ठीक है। चलिए वही चीजें यहाँ पे आपकी मेंशन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए पिकनोमीटर, पिकनोमीटर आपका, पिकनोमीटर जो है यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, वॉइड स्पेस या वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। पिकनोमीटर से मेनली हम कौन कौन से इसमें से फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। वेरी गुड, डेंसिटी और इसके साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी हम मेजर करने के लिए पिकनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, और डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट। प्रगति बहुत अच्छे डियर, डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, चलिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कैसे। सबसे पहले तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम पता करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कब करेंगे, जब इसका क्या हो, आपका सैंपल जो है उसका क्या हो, ऑलरेडी नोन हो, ठीक है। और क्या है आपका, पिकनोमीटर जो है प्रिसाइज मेथड है, लिक्विड डेंसिटी, वेल नोन डेंसिटी एंड यूजफुल टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट, ठीक है। चलिए सुजीत यादव, रेगुलर आप जो भी लाइव क्लासेस हैं उनको अटेंड करिए, ठीक है। मॉइस्चर पिकनो कब से, एक सेकेंड, मॉइस्चर के लिए मेनली आपका कार्ल फिशर टाइट्रेशन होता है, यहाँ पे आपका मिस टाइप हो गया है, ठीक है। चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और मेनली क्या है आपका, ग्रेविटी के लिए, ठीक है, डेंसिटी के लिए आपका यूज किया जाता है कौन सा, पिकनोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एट विच मिसेल्स फॉर्मेशन स्टार्टेड, जीरो मिसेल कंसंट्रेशन, लो मिसेल कंसंट्रेशन, हाई मिसेल कंसंट्रेशन या फिर क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। गैल्यूसाइड डेंसिटी बॉटल भी इसी को कहते हैं, बिल्कुल सही प्रगति बेटा, वेरी गुड। पिकनोमीटर मेथड दे ऑल आर सेम, बहुत अच्छे। चलिए विच वन इज करेक्ट, बहुत अच्छे, जो आपका क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, जो भी आपके सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो मिसल्स फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं वो मिसल्स फॉर्म करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे वो आपका क्या करते हैं, मिसल फॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीएमसी या फिर क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन हम उसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। और क्रिटिकल टेम्परेचर भी आपका रिक्वायर होता है, ठीक है, और आपका ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन जो होता है उसको क्या कराते हैं, रिड्यूस कराते हैं एट क्राफ्ट टेम्परेचर, बिल्कुल सही। चलिए 9 to 11 सुजीत यादव, ठीक है, ये है टाइमिंग है लाइव क्लास की। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विस्कोमीटर कैन बी यूज फॉर कैरेक्टराइजिंग नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, सिर्फ जीपैट 2019 में ही नहीं, इसके पहले भी कई बार आया है, ठीक है, ठीक है। फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर एंड हॉपलर विस्कोमीटर, आंसर फास्ट। 9 o'clock भावना, कप एंड बॉब, ठीक है, और अच्छा कप एंड बॉब आपका मल्टी पॉइंट में आएगा या सिंगल पॉइंट में आएगा, ये भी आंसर करिएगा, अगर कप एंड बॉब ठीक है करेक्ट है तो आपका मल्टी पॉइंट में आ रहा है या सिंगल पॉइंट में। पॉपुलर ही फीलिंग है, ठीक है, चलिए
कप एंड बॉब जो होता है आपका मल्टी पॉइंट में आता है, किसमें आता है, मल्टी पॉइंट में आता है। वेरी गुड, चलिए पढ़ा हुआ है बहुत बार, बिल्कुल बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। और सिंगल पॉइंट में कौन कौन से आते हैं, आपका ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर आता है, और कौन सा आता है, फॉलिंग स्फीयर या फिर हॉपलर, दोनों एक ही होता है, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज बी, ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ कि कौन कौन से आपके इक्विपमेंट है, कप एंड बॉब, कोन एंड प्लेट, ठीक है। ये आपका किस में आता है, मल्टी पॉइंट्स में। इस पे भी क्वेश्चन पूछा है कि मल्टी पॉइंट है या सिंगल पॉइंट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट टाइम रिलेटेड आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, The surface area measurement using BET approach, बिल्कुल कंफ्यूज ये सोच के मत होइएगा कि सी आपका करेक्ट आंसर है, हो सकता है कि आपका दूसरा आंसर हो, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। The surface area measurement using BET approach, जो आपका क्या है, Bernier, Emmett and Teller utilize organ gas for the adsorption, ठीक है, और organ नहीं यूज होती तो कौन सी यूज होती है वो भी मैसेज टेक्स्ट करिए, ठीक है। सेकेंड फुल फॉर्म ऑफ BET इज ओके, चलिए विच वन इज करेक्ट, ऋषभ शाह, कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं जो रिलेवेंट क्वेश्चन है। चलिए करेक्ट, अच्छा ठीक है, आंसर साफ साफ लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी काफी लोग ए, ठीक है, चलिए वो मिसटाइप हो गया था, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। चलिए वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, मेनली इसमें क्या करते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस यूज होती है, ठीक है, वो होती है आपकी नाइट्रोजन, ठीक है, ऑर्गन आपका इनकरेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ एचएलबी वैल्यू फॉर स्प्रेडिंग एजेंट, जो आपके स्प्रेडिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, उसका आपका एचएलबी वैल्यू कितना होता है, स्प्रेडिंग एजेंट डी 13 to 15, सर ये क्या हुआ, खुद से नोट होगा जिसने ए दिया, शालिनी अग्रवाल, खुद का डाउट क्लियर हो जाए इसीलिए तो मैराथन क्लास चल रही है। चलिए वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 7 to 9, अगर हम बात करें 13 to 15 की, ठीक है, 13 to 15 किसका होता है, तो वो मेनली आपका डिटर्जेंट्स का होता है, डिटर्जेंट्स आपके क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और 3 to 6 में आपके क्या आ जाएंगे, इमल्सीफाइंग एजेंट आएंगे, जो कि आपके इमल्शन में यूज हो रहे हैं, ठीक है। नो सर, ओनली सी इज करेक्ट, ठीक है, तो सी ही तो करेक्ट है, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए और चलिए 2 to 3 वेल नोन है एंटी फोमिंग एजेंट्स, चलिए वेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपका कुछ इस तरीके से, एचएलबी स्केल है, ग्रिफिन ने दी थी, ग्रिफिन साइंटिस्ट, ग्रिफिन सर थे, उन्होंने ये स्केल दी थी, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ये आपकी रेंज है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डोप टेस्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मेनली किसके लिए किया जाता है, फिल्टर वैलिडेशन के लिए किया जाता है, फिल्टर लीक टेस्टिंग के लिए किया जाता है, फिल्टर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के लिए, या फिर लैमिनार फ्लो जो होता है उसमें किया जाता है, विच वन इज करेक्ट, आंसर फास्ट, भावना ए, फिल्टर वैलिडेशन, शाबाश, और लैमिनार, अमन शुक्ला, रात हो गई बच्चे, आपको अभी पता चला, चलिए डी आएगा, लेमिनार, बहुत सही, शाबाश, बाद में मत कहिएगा कि सर ऑप्शन चेंज हो गए, इतना मारे ना आप सबको, हेपा फिल्टर में आप सबने नहीं पढ़ा ड्रॉप टेस्ट, तो आप सीधा टाइप करिए ना कि आपका हेपा फिल्टर, ठीक है, जागृति एनरियो डी, लेमिनार फ्लो, करेक्ट आंसर इज हेपा फिल्टर इंटीग्रिटी, कौन सा,
भावना मथुरी, आल ऑल बच्चे ऑल होगा ही नहीं, ठीक है, ऑल आपका होगा ही नहीं, ठीक है। हेपा फिल्टर इंटीग्रिटी में मेनली आपका क्या किया जाता है, डोप टेस्ट, एन नंबर ऑफ टाइम आपने पढ़ा होगा, सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज हेपा फिल्टर इंटीग्रिटी, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेंज हो गए, ऑप्शन नहीं चेंज हुए, ठीक है, आपने ऑप्शन सही से देखे नहीं। विच प्रॉपर्टी ऑफ सर्फेक्टेंट डिक्रीज शार्पली एट द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे आपका कौन सा सर्फेक्टेंट का प्रॉपर्टी है जो कि क्या होता है, शार्पली डिक्रीज होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्जेंसी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड सरफेस टेंशन। सर हेपा ही पता था पर ऑप्शन नहीं था, तो हेपा लिखना चाहिए था ना। चलिए विच वन इज करेक्ट, चलिए वेरी गुड, इक्विवेलेंस। बेटा ये बाय मिस्टेक हो गया था, ठीक है, नहीं आंसर तो मैं कभी ना दिखाऊं, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपकी जो सर्फेक्टेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, जब भी सीएमसी फॉर्म करते हैं उस कंसंट्रेशन पे वो क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो क्या होता है, शार्पली डिक्रीज होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सी पक्का है, वेरी गुड सुजन, सी आपका पक्का यही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्राफ एंड एस्टिमेट इट विद द करेक्ट प्रॉपर्टी, डायलेटेंट डिक्रीज विद द इंक्रीज शियर रेट, स्यूडो प्लास्टिक डिक्रीज विद द इंक्रीज शियर रेट, बिंगम प्लास्टिक या फिर बिंगम या फिर प्लास्टिक फ्लो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग शियर रेट, या फिर कैजन प्लास्टिक इंक्रीज विद इंक्रीजिंग शियर रेट, विच वन इज करेक्ट। संजय यादव, ये टेक्निकल मिस्टेक थी बच्चे, ठीक है। चलिए विच वन इज करेक्ट, ध्यान दीजिएगा आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, शियर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग शियर रेट, यानी कि ये आपका क्या हुआ, शियर थिनिंग हुआ, ठीक है। विच वन इज करेक्ट, बिंगम बॉडी, स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट। करेक्ट आंसर क्या है आपका, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज स्यूडो प्लास्टिक डिक्रीज विथ इंक्रीज शियर रेट, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। स्यूडो प्लास्टिक टिपिकली आपका क्या होता है, पॉलीमर्स का जो सॉल्यूशन होता है मेनली आपका उसमें फॉलो होता है, ठीक है। आपका मिथाइल सेलुलोज हो गया, क्रिस्टलाइन मिथाइल सेलुलोज हो गया, इन सब में आपका क्या आएगा, स्यूडो प्लास्टिक। चलिए बी, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन कंपोज ऑफ व्हिच आर द फ्लॉकुलेटेड, चलिए ठीक, इस वजह से डिक्रीज द इंक्रीज द शियर रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द जियोग्राम ऑफ थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल डिटरमाइंड बाय, ठीक है, जो जियोग्राम है आपका, ठीक है, डाइलेटेंट में क्या होगा आपका, शियर थिकनिंग होगा, ठीक है। रियोग्राम जो होता है आपका थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल में डिटरमाइंड किसके थ्रू होता है, ड्यूरेशन थ्रू विच द सैंपल इज एक्सपोज टू एनी वन शियर रेट, रेट एट विच शियर इंक्रीज और डिक्रीज, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, विच वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर फास्ट। पवन बच्चे आप भी अच्छी रैंक लाओ, स्टडी पे फोकस करो, ठीक है, तो क्या होगा, आप भी खुशियों में ही रहोगे और अभी भी आप खुशियों में ही रहो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ऑफ द अबव, ठीक है।
रियोग्राम मेनली क्या होता है, आपका जो ग्राफ प्लॉट होता है रियोग्राम, आपका शियर रेट और शियर स्ट्रेस, शियर रेट जो जी से डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस एफ, उसके बीच का आपका जो ग्राफ होता है उसके बीच में आपका ग्राफ बनता है, ठीक है, बोथ ऑफ दी अबव करेक्ट, ठीक है, वो आपका क्या होता है रियोग्राम। मेनली क्या होता है, कंसिस्टेंसी कर्व और फ्लो कर्व इसमें हम देखते हैं, ठीक है, थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है, डिपेंड करता है रेट जो हमारा क्या है इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है या फिर टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेंथ ऑफ टाइम ऑफ ए सैंपल इज सब्जेक्टेड टू एनी वन ऑफ द शियर, ठीक है, थैंक यू, टाइम डिपेंडेंट, चलिए, वेरी गुड, ए बी सी, चलिए। सो आज की क्लास में हमारे जो भी 50 क्वेश्चंस थे हमारे फिजिकल फार्मेसी के, वो सारे हमने डिस्कस किए, ठीक है, जल्दी से अपने अपने नंबर बताइए, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आंसर फास्ट, अपने अपने मार्क्स लिखिए जल्दी से, 43 प्लस राइट, बहुत अच्छे अनुज सर, प्रोटेक्टिव जीटोपेनिनसुल कैसे डिक्रीज करेगा अभी बताते हैं, गुड नाइट सर जी, चलिए, बिल्कुल संकल्प दीप अभी पी लेंगे 25 में से 24 रेड जॉइंट, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे विराज, चलिए, प्रशांत, जागृति और इम्प्रूव करिए, भावना बहुत अच्छे और इम्प्रूव करिए, ठीक है, तंजिल 50/50 बहुत अच्छे, चलिए चलिए बहुत अच्छे, रजत 40, तेजस कांबले 0/50, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करिए, ठीक है, पवार विलास बाला साहेब, लिपिंस्की रूल ऑफ 5 की बात हम तब करते हैं जब हमारे जो होते हैं जो लिपोफिलिसिटी, ठीक है, जितने ज्यादा हमारा बल्की होता जाएगा जो भी चेन है, ठीक है, उस पे हम देखते हैं, ठीक है, 5 कार्बन तक वो हमारा क्या होता है, ठीक है सर, आप सुटिक नहीं बच्चे, ठीक है, थैंक यू, 50/50 का पहला आंसर नहीं देगा, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, ठीक है, शुभरात्रि, और अच्छे से फोकस करिए स्टडी पे, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कंटिन्यू स्टडी पे फोकस करिए, ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।